हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रोफेसर अंजलि पटेल फ्रॉम रॉफेल बीबीए कॉलेज वापी। अवर सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू योर सेमेस्टर 5 इन योर टीवाई बीबीए। टुडे इन दिस सेक्शन वी विल कवर द टॉपिक दैट इज रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। इन दैट वी विल लर्न द टॉपिक दैट इज मीनिंग ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, नीड फॉर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉब्लम्स ऑब्लिक बैरियर्स टू रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड हाउ टू डेवलप अ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। टुडे इन दिस सेक्शन वी विल कवर द टॉपिक दैट इज मीनिंग ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड नीड फॉर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। द टू टॉपिक ऑफ द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप विल बी कवर इन दिस सेक्शन एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी इट्स बैरियर्स एंड हाउ टू डेवलप अ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। Let's start with a basic general meaning of rural entrepreneurship. As per the other entrepreneurship, rural entrepreneurship also have a different meaning to different people. Rural entrepreneurship can simply be defined as an entrepreneurship emerging in rural area is called a rural entrepreneurship. As the name itself is nothing but identify its meaning. कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप रूरल एरिया में हम स्टार्ट कर रहे तो दैट विल बी कंसिडर टू बी अ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। सो इन अदर वर्ड्स, स्टार्टिंग अ इंडस्ट्री यूनिट्स इन रूरल एरिया, स्टार्टिंग एन इंडस्ट्री यूनिट इन द रूरल एरिया रिफर टू रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, और वी कैन से रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्लाइज रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। Rural entrepreneurship are generally related with agriculture. According to Khadi and Village Industry Commission, that is KVIC, that is your KVIC, rural industry means any industry located in rural. First point, population of which does not exceed 10,000, that is your next basic point. Goods which are produced or service which are being rendered with or without the use of power and whose fixed capital investment per head of any worker does not exceed 1,000 rupees. इसका ये मतलब होता है कि according to Khadi Village Industry Commission, rural industry मतलब ऐसी industry जो located है rural area में. First point, you need to remember in definition, industry which is located in rural area. सेकेंड, पॉपुलेशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 10,000, उसका मतलब ये है कि जो रूरल एरिया है उसका पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है का तो सर्विस रेंडर कर रहा है वो आइडर वो पावर यूज़ करेगा का तो विदाउट पावर यूज़ करते वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे का तो सर्विस रेंडर करेंगे। और दूसरी बात, उसमें जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड ऑफ एनी वर्कर डज नॉट एक्सीड 1,000 rupees। सो दैट इज अ बेसिक डेफिनेशन हैज पर द खाड़ी एंड विलेज कमीशन। यूनिटी रिमेंबर इन पॉइंट वाइज, फर्स्ट दैट इज रूरल इंडस्ट्री मीन्स एनी इंडस्ट्री लोकेट इन रूरल एरिया। जो भी इंडस्ट्री लोकेटेड हुआ है रूरल एरिया में उस इंडस्ट्री को हम रूरल इंडस्ट्री बोलेंगे। उसका पॉपुलेशन किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, व्हाट इज योर फिगर, दैट इज 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है का तो सर्विस रेंडर कर रहा है वो आइडर विथ और विदाउट द यूज ऑफ पावर है, और जिसका फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर वर्कर डज नॉट एक्सीड 1,000 rupees इज कंसिडर टू बी अ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। दैट इज योर बेसिक definition as per the Khadi and Village Industry Commission. But has a industry revolution take place, this definition is being revised and the number of populations or population size was exceed. Let's see the revised definition of rural entrepreneurship. Revised definition of rural entrepreneurship is that any industry located in rural area, विलेज और अ टाउन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 20,000 एंड बिलो। ठीक है, पहले क्या था पॉपुलेशन 10,000, अभी रिवाइज डेफिनेशन में पॉपुलेशन कितना हो गया 20,000 का था, 20,000 से कम, और जहां पे इन्वेस्टमेंट जो हम प्लांट एंड मशीनरी में कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट 3 crores अप टू 3 crores होना चाहिए, इस क्लासिफाइड एज अ विलेज इंडस्ट्री और अ रूरल इंडस्ट्री। सो रूरल इंडस्ट्री क्या होता है, जिसका पॉपुलेशन रिवाइज डेफिनेशन के हिसाब से जो इंडस्ट्री लोकेटेड हुई रूरल एरिया में जिसका पॉपुलेशन जो है वो 20,000 का तो 20,000 से कम है, और जिसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 crore का इन्वेस्टमेंट हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी, मतलब अप टू 3 crore ही कैन डू इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, इज क्लासिफाइड एज अ विलेज इंडस्ट्री। होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन एंड योर जनरल मीनिंग ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। सिंपल मीनिंग, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो इंडस्ट्री लोकेटेड हुई रूरल एरिया में उस इंडस्ट्री को हम बोलेंगे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप।
होप यू आर क्लियर विद दिस डेफिनेशन. नाउ लेट्स सी ऑल द विलेज इंडस्ट्री विच हैव बीन ग्रुप इनटू 7 मेजर कैटेगरी. एग्जांपल जो आपको क्लियर वे में समझ में आएगा, जैसे कि जो भी विलेज इंडस्ट्री है उसको 7 मेजर कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है, का तो कैटेगराइज किया है, का तो ग्रुप किया है. फर्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. उसमें क्या रॉ मटेरियल यूज करोगे? मिनरल यू कैन यूज एज अ रॉ मटेरियल, एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील. उसके बाद सेकेंड है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, दैट इज योर पेपर इंडस्ट्री, टबेको इंडस्ट्री, प्लाईवुड इंडस्ट्री, ये सब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है. थर्ड वन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दैट इज योर टेक्सटाइल, सुगर्स, वेजिटेबल ऑयल, दैट इज योर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. उसके बाद है आपका पॉलीमर एंड केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, दैट इज योर प्लास्टिक. नेक्स्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दैट इज योर यार्न क्लोथ्स, एंड लास्ट दैट इज योर सर्विस इंडस्ट्री, दैट यू नो वेरी वेल. सो 7 मेजर के बेस में कैटेगराइज किया है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर बीइंग क्लासिफाइड एज अ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप. Now let's see its need for rural entrepreneurship. First point, need for rural entrepreneurship, that means ke why we need to have a rural entrepreneurship in our village, in our rural area. The first one is your generation of employment. हमें पता है कि rural entrepreneurship में employment का generation जो है वो बहुत कम होता है. So rural industry का तो rural entrepreneurship start करोगे तो rural industry being labor intensive have a high potential in employment generation. Thus, village industry can cure a problems of underemployment in rural area. Rural industry ज़्यादा labor intensive होती है, labor intensive है और जहाँ पे high employment generation कर सकते हैं तो उसके कारण आपका underemployment जो problem है वो cure हो सकता है. That is your first point. Second, reduce disparities by providing employment. जब आप employment provide करोगे तो industry will have a high potential for income generation. Employment दोगे तो industry का income generation जो होगा वो ज़्यादा होगा rural area में, एंड उसके कारण परचेसिंग पावर विल बी इंक्रीज. दस दिस विल रिड्यूस द डिस्पेरिटीज इन इनकम बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया. आपकी डिस्पेरिटीज जो है इनकम बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया वो रिड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के कारण आपका इनकम जनरेशन हो रहा है और उसके कारण आपका परचेसिंग पावर ऑल्सो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और उसके कारण आपका जो रूरल एंड अर्बन एरिया में जो डिस्पेरिटी दैट इज डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट. हम जैसे हम मानते हैं कि अर्बन एरिया ज़्यादा डेवलप होते हैं, पर रूरल इंडस्ट्री का तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी रूरल एरिया में, तो उसके कारण आपका रूरल एरिया जो है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होगी वो डेवलप होगी. जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, स्कूल्स डेवलप होंगे, हॉस्पिटल्स डेवलप होंगे, रोड डेवलप होंगे, तो उसके कारण आपका इकोनॉमिक डेवलप होगा और उसके कारण आपका बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, मतलब रूरल एंड अर्बन में कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों में बैलेंस डेवलपमेंट होगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ हेरिटेज. जैसे हमें एशियन से हमें माना जाता है कि सर्टेन प्रोडक्ट जो है वो एशियन से ही वेल प्रमोटेड है. दैट इज अपनी हेरिटेज को मेंटेन करना है, अपनी आर्ट और क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है, तो उस वे में आपको मेंटेन करना है, तो उस टाइम आपका रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है ना वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे. तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के कारण हमारी जो आर्ट है, हमारी क्रिएटिविटी है, वो हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और उसको प्रमोशन भी कर सकते हैं, अपनी हेरिटेज को आगे बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज वी नो वेरी वेल दैट रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगा वो फॉस्टर्स क्या करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रूरल एरिया. तो आपका जो अर्बन माइग्रेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा. ठीक है, जो ग्रोथ हो रहा है दोनों सिटी में, डिसअप्रोप्रिएट आपका ग्रोथ हो रहा है दोनों सिटी में वो कम हो जाएगा. ग्रोथ ऑफ स्लम्स जो होंगे वो भी कम हो जाएगा. सोशल टेंशन जो होगा वो भी कम होगा. एटमोसफेयर पॉल्यूशन और सब जो होगा वो कम हो जाएगा, तो उसके कारण आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. ठीक है, थर्ड वन इज अ रीजनल डेवलपमेंट, एंड नेक्स्ट वन अभी जो आप पढ़ रहे हो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होगा, अर्बन माइग्रेशन कम होगा, उसके बाद आपका ग्रोथ ऑफ स्लम्स का रिड्यूस होगा, सोशल टेंशन कम होगा, एटमोसफेयर पॉल्यूशन कम होगा, तो वो सारे हम बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंड रीजनल डेवलपमेंट मतलब दो अर्बन एंड रूरल रीजन का डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है, दैट इज के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आपका डेवलपमेंट हो रहा है. नेक्स्ट लास्ट वन दैट इज अ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट
क्रिएट करेंगे। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के कारण आपका जो एनवायरमेंट है वो प्रोटेक्ट होगा, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होगा। दैट इज़ योर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। होप यू आर क्लियर विद दिस वीडियो एंड होप यू आर क्लियर विद दिस बोथ द टॉपिक, दैट इज मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड नीड फॉर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। थैंक यू स्टूडेंट्स।